हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? सबसे सारे बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। सो यार, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको रोहतक के सारे रावण दिखा दिए थे जितने मैं कवर कर सकता था। एंड अब मैं बर्निंग वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। तीन लोकेशन की मैं दिखाऊंगा, पटेल नगर, ITI एंड अपने गांधीनगर की। तो क्योंकि यार सारी जगह नहीं जा सकता, तो जितनी लोकेशन भी कवर करूँ यार उसी की मैं अच्छे से कोशिश करूँगा कि मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को। और मैंने तीन लोकेशन बोली आपको, वहीं की मैं रावण नगर की दिखाऊंगा। तो वीडियो पे आ गए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट कर देना प्यारा सा, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। यार अभी पीछे मैं बैक स्टेज पे आ गई, यहाँ पे राम और रावण की जो लड़ाई रही थी उस दिन वो हो रही है बस। और ये थोड़ा सा सीन होएगा, ये देखो, उसके बाद मैं आगे से आपको रावण बर्निंग दिखा दूंगा। बैक स्टेज से मैंने आपको दिखा दिया जो लड़ाई चल रही थी राम और रावण की। अब नीचे फटाफट चलते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट लोकेशन पे भी जाना है और रावण जलने ही वाला है। बस सर, रावण जलने ही वाला है। नीचे आ चुके हैं सारे, छाई को मार चाहिए। रावण के मन में तीन बातें थी, वो चाहता समुंदर का पानी मीठा कर सकता था, सुमित पाव के किशोर चंद्र से करे दीपक दीक्षितम नमा जटाटवी गलत जवल प्रवाह पाव कसले गले वलम बलम पिता भुजंग तुरुगा मालिका बट्ट 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 मंदिरा जवट्ट मरुने। यार एक चीज़ ये देखो, लोग देखो कहाँ कहाँ पे खड़े हैं रावण को देखने के लिए अपने अपने टेरेस पे। लेफ्ट साइड में भी देखो, मतलब पूरा जो ग्राउंड का एरिया है ना, हर तरफ, राइट में भी देखो एक बारी, पूरे एरिया में खड़े हुए हैं। ये स्तोत्र बनाया रावण द्वारा, रचित है ये स्तोत्र, जटा जटा ये रावण द्वारा स्तोत्र गाया गया, जम के द्वारा ये स्तोत्र है। सर यहाँ पे रावण जल चुका है ना, नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं। बहुत तेज भागना पड़ेगा नेक्स्ट लोकेशन के लिए। सर बहुत तेज भागने के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। एंड इधर देखो यार, ट्रैक्टर पे राम लक्ष्मण, और यहाँ पे चलाए जाते हैं बीच में। सर ट्रैक्टर पे चढ़ जाओ,
में तो बहुत देर लगा रहे थे, लेकिन हम निकल चुके हैं आईटीआई के लिए, वहाँ का मिस नहीं करना। यहाँ की तो मैं कोई भी ऐड ऑन कर दूंगा वीडियो, लेकिन वहाँ का मिस कर दिया तो सब मिस कर दिया। और भीड़ देखो यार, कैसे निकलना पड़ेगा यहाँ से, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जैसे जैसे निकल के आ चुका हूँ मैं, एंड इस साइड पे अभी फायर वर्क चल रहे हैं ऊपर। सर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आप लोग के लिए मतलब जो बेस्ट से बेस्ट एंगल ले सकता था ना, मैं यहाँ पे सबसे आगे आ चुका हूँ। एंड पीछे जो हैं सारे के सारे क्रैकर्स वगैरह जल रहे हैं, आप जैसे देख रहे हो फायर वर्क्स हो रहा है पूरा। ये देखो मेरे लेफ्ट साइड पे कुंभकर्ण के वहाँ पे जो मैंने बताया था ना, जो सर्कल्स वगैरह चक्री वगैरह होती हैं, वो सब यहाँ पे जलाई जाती हैं। एंड ऊपर देखो मतलब पूरा हाफ एन आवर तक तो पूरा का पूरा फायर वर्क्स होता है। उसके बाद जाके सबसे पहले मेघनाथ होगा, फिर उसके बाद कुंभकर्ण, देन रावण। ये देखो यार कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है ना ये वाला। और मैं अभी मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, पर मैं थोड़ा वाइड एंगल ऑन करता हूँ। ये देखो मैं इतनी पीछे अभी भी खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी बेस्ट एंगल है मेरे लिए जहाँ तक मैं जा सकता था, और आगे जाने की हिम्मत नहीं मेरे। जैसे आप देख रहे हो यार कितना क्राउड है। एंड मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे स्टेज बना हुआ है, यहाँ पे जो सारे हनुमान जी वगैरह हैं, जो मुकुट वाले मैंने आपको सुबह वीडियो में दिखाया था ना, यहाँ पे खड़े हैं। सर रावण दहन स्टार्ट हो चुके, सबसे पहले मेघनाथ की बारी आ चुकी है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था ना, इसके चेस्ट में बम वगैरह लगे हुए क्रैकर्स, ये देख लो। कितनी ज्यादा भीड़ है, बिल्कुल फंसा हुआ हूँ बीच में। मेघनाथ चल चुका है, अब कुंभकर्ण की बारी है, लेफ्ट साइड पे फोकस कर लो सारे। रावण चल चुके हैं, एंड तीनों के तीनों मैंने आपको दिखा दिया जितना बेटर व्यू दे सकता था। एंड अब जितना टास्क अंदर आने के लिए उतना टास्क बाहर जाने के लिए भी करना पड़ेगा। भीड़ देख रहे हो यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मेरे साथ के थे जितने भी थे वो सारे इधर उधर हो चुके हैं, एंड हमारे चुक सब हमें मिल चुके हैं, बाकी तो मेरे दोस्त सारे गायब हो गए, तू मिल गया मेरे को। तीनों भूख दिए भाई हमने, तीनों भूख दिए, इसी ने भूख दिया, रावण भी भूख दिया, कुंभकर्ण भूख दिया, मेघनाथ भी भूख दिया। तो यार बहुत बड़ा टास्क है यार यहाँ से निकलना, अंदर आना भी टास्क है, एक निकलना भी बहुत बड़ा टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है यार। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अब तो सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इतनी भीड़ से निकलना।
एंड अब वीडियो को ना मैं घर जाके एंड करूंगा यहाँ पे, तो आप हालत देखिए इतनी मेहनत करके घर भी वापस जाना पड़ रहा है और ऐसे ही मैं आया था। और जो व्हीकल लेके आए हैं वो लोग तो फंस गए, कम से कम एक घंटा कहीं नहीं गए वो लोग। सो यार बहुत मेहनत के बाद पहुँच चुका हूँ घर एंड लास्ट में मैंने आपको दिखाया ना, मतलब मैं ऐसे ही गया था, जितनी भीड़ मैंने दिखाई ना उस टाइम मैंने भीड़ में वीडियो नहीं बना के दिखाया था क्योंकि मेरे को पहुँचना था एंड बहुत ज़्यादा क्राउड था बहुत ज़्यादा। एंड मुझे घर पहुँचते पहुँचते वहाँ से क्राउड से निकलते हुए भी ना 15-20 मिनट लग गए थे एंड जो व्हीकल्स वाले थे उनकी तो हालत आप समझ ही सकते हो क्या हुआ होगा। तो यार बस जो भी किया मतलब आप लोगों के लिए किया कि मैं बेस्ट एंगल दे सकूँ आप लोगों को। तो वीडियो आपने पूरी देख लिया, मैंने जितने लोकेशन कवर कर सकता था कर दी एंड जो एक लोकेशन रह गई थी ना यार वहाँ पे भी टाइम बहुत था, अगर मैं वहाँ रुक जाता तो आईटीआई के ना दिखा पाता वो वाला पूरा रह जाता, तो कोई बात नहीं उसका मेरे को कोई वो नहीं है। बाकी मैंने दिखा तो दिया ना क्या क्या चल रहा था वहाँ पे, ट्रैक्टर्स वगैरह जो भी, तो जितना दिखा सका यार वो मैं अपने बेस्ट मैंने अपना पूरा किया। एंड वीडियो जैसे भी लगी हो ना मतलब वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब ये वाली सीरीज तो दशहरा सीरीज तो खत्म हो गई है, लास्ट में जो दो चार रावण के जो मतलब रामलीला के सीन्स पड़े होंगे ना वो आ जाएगी आपके पास अगर मैं डालूंगा तो, नहीं तो कोई नहीं कुछ और देखेंगे। बाकी वीडियो जैसे भी लगे प्लीज़ यार एक कमेंट करके बताना, अच्छी लगे बुरी लगे मतलब जो भी हो ना, और जो मैंने मेहनत करी मतलब आप लोगों के लिए उसका भी मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है अगर आप एक कमेंट करके बता दोगे ना मुझे। तो वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसे एक बड़े से नई वीडियो में, बाय बाय टेक केयर, बाय 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 बाय।